सबसे ज्यादा संभावना होती है जब पतंग आते किसकी प्रेशर सारा हवा का वजन यही आता है। मुद्दे का ये होता है कि पतंग की दिशा जो मूवमेंट बनाती है वो मुद्दे से बनती है, मुद्दे और पत्ते से। इसलिए पत्ता भी बिल्कुल जकड़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल समझ गए कि प्रेस किया हुआ होना चाहिए। कहीं से भी खुला हो तो उसको बंद करते हैं टेप के। तो कन्ने फाइनली अब बनने जा रहे हैं, पहले ठट्टे को थोड़ा सा झुका लेना है बिल्कुल, ताकि कांप अपनी जगह पर बैठी रह जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग काइट गैलरी। तो दोस्तों, सामने आपको सफ़ीक उस्ताद नज़र आ रहे हैं जो कि आज आपको सिखाएंगे, प्रॉपर बताएंगे पतंग कैसे तैयार करी जाती है, जिसमें सबसे पहले आपको टेपिंग सिखाई जाएगी, उसके बाद कन्ने बांधने प्रॉपर सिखाए जाएंगे, हर हवा के हिसाब से कन्ने बांधने सिखाए जाएंगे, फिर पतंग का पूरा वो ट्रायल करके आपको पूरा प्रॉपर तरीका बताएंगे। पहले तो आप तो देखिए उस्ताद की टेपिंग, और देखिए एक और उस्ताद राजन उस्ताद भी आ गए, उस्ताद की हेल्प करवा रहे टेपिंग में। तो पहला टिप्पा वहाँ पर आया और दूसरा यहाँ पर आता है। दोस्तों, हवा काफ़ी तेज़ है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। इसके टिप्पे लगाते हैं उस्ताद और टिप्पे तैयार हो गए। दोस्तों, टेपिंग प्रॉपर हो गई है, फाइनली तैयार हो गई टेपिंग, पूरी कम्प्लीट हो गई। तो ये रही टेपिंग उस्ताद की, देखिए आप लोग प्रॉपर टेपिंग करी उस्ताद ने, और हर टिप्पे का कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई मकसद होता है, उस्ताद वो भी बताएंगे भी आप लोगों को। तो ये प्रॉपर टेपिंग हो गई, जैसे कि उस्ताद ने देखिए प्रॉपर टेपिंग करी आप सबके सामने। तो उस्ताद देखिए हर टेपिंग का कोई मतलब होता है, कोई ना कोई मकसद होता है, जैसे कि आप बताइए बिगनर्स को कि इस जैसे आपने मुड्ढे पे टेपिंग करी इसका क्या मतलब होता है, ये साइड में टेपिंग क्यों करी जाती है, ये कुंदों पे क्यों करी जाती है। साइड में देखिए सबसे ज्यादा संभावना होती है जब पतंग यहाँ से किसकी प्रेशर सारा हवा का वजन यहीं आता है, प्रेशर इसी पे सारा लोड विंड प्रेशर जो होता है दोस्तों वो यहीं पर होता है, जो कि मुड्ढे का ये होता है कि पतंग जो दिशा जो मूवमेंट बनाती है वो मुड्ढे से बनती है, मुड्ढे और पत्ते से। पत्ता भी पत्ते से फर्क ये होता है, अगर कहीं से भी खुला हुआ तो चाल में इसकी फर्क आ जाएगा, चक्कर में फर्क हो जाएगा, चाल में फौरन फर्क आता है, पतंग की मूवमेंट में चाल में बहुत अंतर आ जाता है। इसलिए पत्ता भी बिल्कुल जकड़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल समझ गए कि प्रेस किया हुआ होना चाहिए, कहीं से भी खुला हो तो उसको बंद कर दे टेप के। तो दोस्तों, अभी आपको उस्ताद ने टेपिंग का तरीका बताया जो कि प्रॉपर एक तरीका था, और ने ये भी बताया आपको कि जहाँ जहाँ पर अलग अलग जो जो टिप्पे होते हैं हर टिप्पे का मतलब और मकसद बताया कि कौन सा टिप्पा किस वजह से लगाया जाता पतंग में। और बाकी रही ये टिप्पे की बात, अब उस्ताद कन्ने बांध रहे हैं, तो कन्ने फाइनली अब बनने जा रहे हैं। पहले ठट्टे को थोड़ा सा झुका लेना है बिल्कुल, ताकि कांप अपनी जगह पर बैठी रह जाए। कन्ने बांधने के बाद ठट्टा झुकाएंगे तो थोड़ा सा बह जाए। तो पहले सबसे पहले आप लोग देख लीजिए ये तरीका होता है, पतंग को झप दी जाती है, इसको बोलते हैं झप। और हर पतंग के कन्ने अलग होते हैं, और जिस हिसाब से पतंग का फर्मा होता है या जिस हिसाब से हवा चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही, हाँ हवा के अकॉर्डिंग अपने पेज के अकॉर्डिंग ही कन्ने बांधे जाते हैं। तो देखिए कन्ने उस्ताद बांध रहे हैं, नायक भाई अपनी पतंग तैयार करने जा रहे हैं। गेम अलीगढ़ से हो रहा है, अलीगढ़ वर्सेस कानपुर फाइट फाइटिंग। देखिए दोस्तों, प्रॉपर कन्ने ऐसे बांधे जाते हैं, देखिए गांठ लगाने का भी तरीका होता है दोस्तों। ये देखिए गांठ लगाने का अंदाज देखिए, पहले आप ये देखिए, और यहाँ पर डबल लगाई है उस्ताद ने, दो बार इसको यहाँ पे दो बार दो फेरा है यहाँ पे, ऊपर कांप के हिस्से में घुमा लेना चाहिए, डबल कर लेना, कांप के हिस्से में डबल। उसके बाद थाई देखिए, आज जैसे कि हवा ज्यादा है तो उसके हिसाब से ये थाई है। तो उस्ताद बताइए थाई किस हिसाब से बांधना चाहिए, इसकी हाँ ये जो थाई आप बांध रहे हैं ये किस हिसाब से बांधना चाहिए? मीडियम रखें ना दादा, नीचे नीचे रखेंगे तो पतंग में थोड़ा सा हवा तेज हो तो थोड़ा सा नीचे कर लें। बिल्कुल नीचे रखने का मतलब, मीडियम रखें अपना कोई ज्यादा उसमें वो नहीं, नीचे रखने का मकसद आप इस पे उंगली से बताइए कितना नीचे जाना चाहिए कितना ऊपर आना चाहिए। इसकी कोई नाप तोड़ नहीं है, इसका बढ़िया अंदाज से मीडियम ऊंचाई होना चाहिए पतंग को देखते हुए। तो जैसे कि उस्ताद एक बात बताइए, जैसे कि ये तो पतंग आपने अपने हिसाब से तैयार करी, जैसे कि आज हवा 10 की है 12 की हवा लमसम में अच्छी हवा, अगर आपको 400-500 मीटर पे लड़ाना है, हाथ चलाना है, प्रेस करके लड़ाना है, थोड़ा सा इसकी जो डिस्टेंस है वो कम कर ले, थोड़ा कम पतंग को लोड होना पड़ेगा, अगर आप हाथ तबला चलाते हैं तो बदन टूट कर ना जावे। अच्छा अच्छा है ना, और अगर आपको थोड़ा सा पार पेज लड़ाना है, लंबी दूरी लड़ाना है 700-800-900 मीटर, तो थोड़ा सा 1-2 इंच नीचे कर लें। अच्छा, इस थाई से मतलब मकसद ये है, इसको जितना आप ऊपर लेके जाएंगे उस उंगली से बताइए किधर,
ऊपर ले जाने का मतलब क्या, नीचे ले जाने का मतलब इसको क्या? मीडियम रख के अगर नीचे रखेंगे ना आपको, तो आपको इसको थोड़ा सा आंधी पता घुमाना पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसे हल्की करने के लिए। आपको दोस्तों यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे तो एक आध इंची ऊपर बढ़ा, हाँ ऊपर करेंगे तो हल्की हो जाती है। और अगर आप इसको लोड नहीं पड़ेगा जी, पतंग पे मांझे के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, पतंग तोड़ के नहीं पाएंगे, पतंग तोड़ के नहीं। तो उस्ताद ने आपको बताया दोस्तों जैसे कि ये गांठ है, इस गांठ को आप ऊपर करेंगे तो पतंग हल्की हो जाती है और इसको नीचे मंजे पे इतना लोड नहीं पड़ेगा। जब आप उस पर खींचे खाचेंगे, वार करेंगे, स्पीड बनाएंगे उसको फाइनल टाइम में, तो उस पर मंजे पे लोड नहीं पड़ेगा, टूटने का डर कम है। तो चलिए दोस्तों ये फाइनली पतंग तैयार कर ली उस्ताद ने। अब उस्ताद पतंग आपको खींच के दिखाएंगे, पतंग खींची कैसे जाती, चलाई कैसे जाती है पतंग, ये सारी डिटेलिंग आज आपको उस्ताद देने वाले हैं। तो फाइनली पतंग तैयार हो गई है और चरखी के ऊपर हैं राजन भाई, ये देखिए उस्ताद ने पतंग चलाना। अभी मैं दिखाऊंगा आपको उस्ताद पतंग चलाते कैसे, पतंग खेलती है इशारों पे इनके, देखिए आप खींच देखिए उस्ताद की शानदार खींच है, मैदान बहुत शानदार है। देखिए चलाना, देखिए पतंग ये देखिए। तो ये देखिए सबसे पहले तो उस्ताद की पतंग देखिए किस हिसाब से उस्ताद पतंग चला रहे हैं। इससे क्या होता है मोमेंट्स पतंग चेंज करती है, ये देखिए हाथ से दूर पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल हाथ फंसने की जरूरत नहीं है कि आपने आंख बंद कर लिया और थोड़ा सा तेजी पकड़ी तो हाथ में फंस जाती है, फंसने का डर है। बिल्कुल देखिए पतंग चलाते हुए उस्ताद, तो आप अंदाज देखिए उस्ताद का 16 प्लस है, 60 साल से ज्यादा उम्र है और चाल फेर देखिए पतंग की, ये देखिए दोस्तों आपने देखा, ये है खींच, आपने देखा होगा कंटिन्यू कितने हाथ पतंग खींची और शायद पतंग उतरते उतरते उस्ताद के हाथ पे आ गई है। ये देखिए स्टैमिना देखिए, कमानी झुका दी उस्ताद ने, पतंग उस्ताद की उतर के हाथ में आ गई है। तो मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, देखिए उस्ताद ने पतंग खींची और पतंग की धज्जी उड़ गई है, ये देखिए सिर्फ ट्रायल में ये आलम है। अभी भी माशाल्लाह बहुत दम है बाजुओं में उस्ताद के, आपने आप सबने देखा होगा उस्ताद ने किस हिसाब से पतंग खींची। और बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद, आपने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया हमारे नए काइट फाइटरों को, नए काइट लवर्स को। तो ये थे हमारे उस्ताद कानपुर के जो उस्ताद हैं उस्ताद शफीक भाई, और पीछे हैं हमारे राजन भाई। राजन भाई चमन काइट क्लब आपने सुना होगा, हर ऑल जितने भी ऑल इंडिया होते हैं बेसिकली सारे ऑल इंडिया में इनकी एंट्री ज़रूर होती है। कानपुर का एक क्लब है चमन काइट क्लब, हाजी बल्लम के नाम से जाना जाता है, उसके मेंबर हैं ये चमन काइट क्लब के मेंबर हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ये वाला लाल बटन जरूर से जरूर प्रेस हो जाना चाहिए।